हेलो दोस्तों वेलकम टू चेतना क्लासेस लर्न मराठी विथ ईजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती स्टैंडर्ड टेंथ इंग्लिश मीडियम आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर ट्वेल्व रंग मजेचे रंग उद्या से तो रंग मजे का रंग उद्याचे यानी कि टुमारो कल का तो कल का सुनहरा रंग जिसे अंजलि कुलकर्णी जी ने लिखा है इनका जन्म 1958 को हुआ था ये एक प्रसिद्ध कवित्री हैं लेखिका हैं। छात्र प्रबोधन किशोर वयम सार का विविध नियत कालिकातन गद्य व पद्य लेखन तो बहुत सारे गद्य और पद्य लेखन इन्होंने किए हुए हैं मी एक स्त्री जातीय अस्वस्थ आत्मा संबंध बदलत गेलेली सही रात्र दुख आणि कविता ये इनकी कविता संग्रह हैं और हृदय स्पर्शी संभ्रमाचा पाण्ञ्यात घंटागढ़िया है ललित लेख संग्रह है स्त्री स्वत्ताचा शोध स्त्री प्रश्न एक आवर्त है वैचारिक लेखन संग्रह इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित तो इस प्रकार की विचारात्मक लेखन शैली यानी कि जो कुछ उन्होंने सोचा उसके ऊपर उन्होंने किताबें लिखी हैं और ये पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हुई हैं दोन काव्य संग्रहाना राज्य सर राज्य दोन काव्य संग्रहाना राज्य शासना से पुरस्कार प्राप्त राज्य शासन का दो कविता को यहाँ पे उनका पुरस्कार मिला हुआ है महाराष्ट्र सा, साहित्य परिषद मराठवाड़ा साहित्य परिषद भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान कामगार साहित्य परिषद गदिमा प्र प्रतिष्ठान यासारखा अनेक संस्थान ज्यास्कार सम्मानित करें तो इन्हें कुछ संस्थाएं हैं जिनके पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जैसे कि महाराष्ट्र साहित्य परिषद मराठवाड़ा साहित्य परिषद भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान कामगार साहित्य परिषद गदिमा प्रतिष्ठान तो इन सभी प्रकार की जो संस्थाएं हैं इन्होंने अपने पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें क्या कहना चाहती हैं करणाचा या काड़ात संगणक युग अवतरले असले तरी मानसांचा मातीशी असलेल्या जिवाण्याचा संबंध टूटता कामान यानी कि आज हम जो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं इस काल में हम सभी कंप्यूटर के साथ जुड़ गए संगणक के साथ जुड़ गए हैं लेकिन फिर भी मनुष्य का उसकी मिट्टी से जो एक अटूट सा रिश्ता है वो टूटना नहीं चाहिए लेखिका का ये कहना है कि जो माटी से हमारा जो रिश्ता है वो किसी भी तरह से टूटना नहीं चाहिए पर्यावरणाची जेपासना के लिए तर मानसाला कधीच का ही कमी पड़ना नहीं अगर हम पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट को संभालते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं प्रिजर्व करते हैं तो इंसानों के पास कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी निसर्ग सौंदर्यांचा विलोभनीय आविष्कारात जगना चा खरा खुरा आनंद ही मिले और साथ ही प्रकृति के सौंदर्य के साथ जीने का हमें एक सही आनंद भी मिलेगा और यही दृष्टिकोण कवित्री ने अपनी कविता के माध्यम से आपको समझाया है तो आइए इनकी कविता को देखते हैं तो आइए शुरू करते हैं कविता फुला फुलां से दाट ताट जिथे पोचते दृष्टि रंग मजेचे रंग उद्याचे जपुन ठेऊ सृष्टि ताट ताटवे यानी कि बहुत ही घना बहुत ही घना गुच्छा फूलों का दृष्टि यानी कि आईसाइट नजर हमारी नजर सृष्टि सृष्टि का मतलब है जग ये संसार ये प्रकृति ठीक है यहाँ पर कवित्री हमें कहती है कि निसर्ग में जहां तक भी हमारी नजर जाएगी वहाँ तक अलग अलग फूलों से लदी हुई डालियाँ हमें देखने को मिलेंगी जो कि मज़ेदार रंग के कल का भविष्य है इस हरी भरी सृष्टि को हम प्यार से संभालेंगे धान्य ना संगनक हा काड़ी आई जगह धान्य यानी कि अनाज माती मध्य जे हातराबती हाथ राबती कष्ट करती देहु पुष्ट उन सभी को सपोर्ट करना पुष्ट करना सपोर्ट करना संगणक युग भले ही आ गया है लेकिन संगणक ये जो कंप्यूटर है ये हमें खाना देने वाला नहीं है अन्न नहीं देने वाला है और इसीलिए धन धान्य देने वाली काली माटी यानी कि खेतों में हम सभी की जरूरत है खेतों की हम देखभाल करेंगे तो ये जो मिट्टी है ये क्या सोना उगलेगी यानी कि सोने जैसा अनाज उगलना शुरू कर देगी तो इसलिए जो हाथ माटी में कष्ट करते हैं मेहनत करते हैं उन किसानों को पाठ बल, यानी कि सपोर्ट देने की जरूरत है इसलिए जिससे हमारा जो कल का जो दिन होगा वो बहुत ही सुनहरा होगा जो हमारा आगे आने वाला दिन होगा वो सुनहरा होगा उधड़ू फेंकूँ बिया डोंगरी देसी झाड़े आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये बच्चे क्या कर रहे हैं बीज डाल रहे हैं ठीक है तो कहते हैं उधड़ू उधड़ू यानी कि वीरखुन टाकू लेटस स्कैटर द सीड ऑन हिल डोंगरी तो स्कैटर करेंगे क्या सीड बिया यानी कि सीड कहाँ पर डोंगर पे रुज देसी झाड़े जिससे उगेंगी देसी झाड़ हमारे देसी झाड़ यहाँ पर अगर हम डोंगर के ऊपर ऐसे ही बीज को सब जगह स्कैटर करेंगे तो जिससे क्या होगा कि फेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर ये पेड़ उग जाएंगे जिससे देसी झाड़ उगेंगे गच्च माजतिल राने और जिससे बहुत ही घने जंगल यहाँ पर उग जाएंगे होइल आभाड़ातुन वृष्टि जिससे बादलों से बारिश यहाँ पर जमीन पर गिरने लगे क्योंकि पेड़ क्या करते हैं पेड़ बादलों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और जिससे बारिश होती है डोंगरा तुन वाहत ये खड़ाड़ते है पानी इन डोंगर से झरनों के रूप में आप यहाँ पे देख रहे हो डोंगर से क्या झरनों के रूप में खड़ाड़ते खड़खड़ करते आवाज के साथ ये पानी बहते हैं पेन धवला तुषारा न मदे पेन धवला एकदम सफेद सुपर वाइट तुषार यानी कि क्या होता है स्प्रे ऑफ वाटर ड्रॉप्स तो पानी की जो बूंदे हैं उनकी एकदम सफेद जो धारा है उसे देख कर कैसे कोई दुखी रह सकता है कष्टी यानी कि दुखी कैसे कोई यहाँ पर दुखी रह सकता है इस तरीके की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर सभी का मन खुशी से भर जाता है मिड़ेल पैसा मिड़ेल दौलत यंत्रांचा संगति यंत्रों के साथ में हरे भरे खेतों से हमें धन दौलत मिलेगा यानी कि हरे भरे खेतों में जब अनाज उगेगा तो यंत्र के माध्यम से जब उस अनाजों को हम क्या करेंगे साफ करेंगे उससे नई नई चीज़ें बनाएंगे उससे हमें पैसा मिलेगा दौलत मिलेगी आभाड़ाचा छात्रा खाली और आसमान के छत के नीचे एक अनोखी त्रिप तृष्टि यानी कि एक अनोखा सा सेटिस्फेक्शन हमें यहाँ पर मिलेगा हमारे आसमान के नीचे हिरवी हिरवी मने भोवती किति छटा हिरव्यांच्या गर्भरेशीम हिरवी हिरवी मने भोवती किति छटा हिरव्यांच्या गर्भरेशमी सड़सड़न्याच्या जगास सांगू गोष्टी बरसात के पानी से जब यहाँ पर अनगिनत हरे भरे पेड़ उगेंगे यानी कि हरियाली छा जाएगी तो मानो कि ये हरा भरा मन ही है और मन की जो भावना है वो रेशम के गाभे की तरह रेशम के गाभे की तरह यानी कि बहुत ही नरम नरम सा सॉफ़्ट सा गोल्ड होता है रेशम का गाभा मतलब क्या होता है सॉफ्ट सा गोल्ड तो उस तरीके की हमारी जो भावना है वो हर किसी के अंदर में सुख की भावना को भर देगा जब सभी मनुष्य एक दूसरे से अपनी इस भावना को बांटेंगे एक दूसरे में सुख की जो है ए, एक एक दूसरे को अपना सुख दुख जो है वो बांटेंगे जिससे हमारा आज तो सुंदर है ही हमारा कल भी सुंदर ही होगा रंग मजे रंग रंग उद्या तो मेहनत के साथ प्रकृति के साथ यानी कि हम जो भी कार्य करें हमारे किसी भी कार्य से हमारी प्रकृति हमारे पर्यावरण पर इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए हम जो भी कार्य करें वो सब हमारे पर्यावरण के हित में हो ऐसा हमें यह कवित्री इस मैसेज के थ्रू बताना चाहती हैं। yeah. तो बच्चों आपको यह कविता कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए तो थैंक यू फॉर दिस फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में